पंजाब के जलंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू को जनता ने पसंद किया है। हालांकि उनकी जीत को लेकर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इस चुनाव में 19 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता कर जलंधर उपचुनाव में जीत के लिए लोगों का धन्यवाद किया है। पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी आपकी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सीएम भगवंत मान ने जनता से जो भी वादे किए थे उन सबको पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने जलंधर उपचुनाव में हार को स्वीकार कर लिया है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अरमिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि हम जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, समर्थकों और सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं सुशील रिंकू और आम आदमी पार्टी की जीत पर उन्हें बधाई देता हूं। वहीं जलंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत से सीएम भगवंत मान का कद सूबे की राजनीति में बढ़ गया है। आपके लिए ये चुनाव का परिणाम एक बड़ी परीक्षा था। पार्टी की जीत से सूबे में मान सरकार मजबूत होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रिंकू की जीत पर पूरे सूबे सहित दिल्ली में जश्न का माहौल साफ देखा जा सकता है। लोग हाथों में झाड़ू लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस खुशी के पल में हर वर्ग डूब चुका है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं ढोल की थाप पर लोग नाच गाकर अपनी खुशी मना रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।